हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 की। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक, जैसा कि फिगर में हमें दिखाया गया है। सो डैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करना है कि ए बी ज्वाइन ए सी, ए सी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ए सी ज्वाइन कर देंगे, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, बी सी इज, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, बी सी जो है ए बी से ग्रेटर है। ठीक, क्या लिखेंगे रीजन में, रीजन में लिखेंगे ए बी इज शॉर्टेस्ट, ए बी इज शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हेंस एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल थ्री। यहाँ पे एंगल वन और ये थ्री है। ठीक है, तो एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल थ्री, इसका रीजन क्या आ जाएगा, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ये इसका रीजन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट लिखेंगे सिमिलरली क्या आ जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ए डी सी, सिमिलरली ट्रायंगल ए डी सी सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे सी डी इज लॉन्गेस्ट, सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल टू, हेंस एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल फोर, इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका भी रीजन वही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया है, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर टू। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक और दो से अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू ग्रेटर देन एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। ठीक, एंगल तो क्या आ जाएगा, एंगल वन और टू क्या है, एंगल वन और टू हमारा एंगल ए है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल थ्री और फोर सी है, तो यहाँ लिखेंगे सी एंगल सी। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा प्रूफ करने के लिए बोला है
एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसको देखिए, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें भी। तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए डी इज, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि ए बी जो है, ए बी इज शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया गया था ऊपर कि एक लॉन्गेस्ट साइड है और एक शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड है। तो ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था। तो ए बी इज स्मॉलर देन ए डी। अब नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे एंगल, एंगल फाइव, एंगल फाइव इज ग्रेटर देन एंगल सेवन, एंगल फाइव इज ग्रेटर देन एंगल सेवन। रीज़न वही, लॉन्गर साइड हैज ए ग्रेटर एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्गर साइड्स हैज ग्रेटर ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट, ये इसका रीज़न हो गया। इसमें हम इसको समीकरण यानी कि इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमिलरली सिमिलरली ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ए डी ए बी डी हो गया हमारा, बी सी डी बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में क्या आएगा, सी डी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी, सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी, बिकॉज सी डी इज लॉन्गर साइड, सी डी इज लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। अब एंगल सिक्स, एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल एट, बिकॉज रीजन लॉन्गर लॉन्गर साइड्स, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब इक्वेशन वन और टू से लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल सेवन प्लस एंगल एट, ठीक है, एंगल सेवन प्लस एंगल एट। तो फाइव और सिक्स क्या बन जाएगा, फाइव और सिक्स बन जाएगा एंगल बी इज ग्रेटर देन सेवन, और एट क्या बन जाएगा, एंगल डी, ये बन गया एंगल डी। तो ये हमें दूसरा यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमारा दूसरा कोई इसका क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखिए, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी एंड एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव दिया गया, इन फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू गिवेन है, पी क्यू गिवेन है, हैंस हैंस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, बिकॉज लॉन्गर
longer side has greater greater angle angle greater angle opposite to it. ठीक है, ये इसका रीजन हो गया. अब लिखेंगे adding P angle R P S both side इसमें दोनों तरफ हम R P S ऐड करते हैं. तो देखिए एंगल Q प्लस एंगल R P S इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल R P S. ठीक है, अब एंगल Q प्लस एंगल R P S ग्रेटर देन एंगल P S Q. देखिए एंगल R ये आ गया एंड एंगल P ये आ गया, ये एंगल P और ये एंगल R हो गया. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होगा, दोनों का एडिंग PSQ. रीजन क्या आ जाएगा, रीजन ये आ जाएगा कि PSQ इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, PSQ इज एक्सटीरियर एंगल. अब नेक्स्ट लिखेंगे एंगल Q प्लस एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल PSQ. रीजन यहाँ पे एंगल RPS इक्वल्स टू एंगल QPS. ठीक है, एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल QPS. ये और ये एंगल इक्वल होगा, इसी वजह से हमने RPS की जगह पे यहाँ पे QPS पुट कर दिया. अब देखिए एंगल Q प्लस एंगल QPS ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, इन दोनों का एडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ. ये दोनों प्लस करके क्या आएगा, PSR आ जाएगा. तो ये और ग्रेटर हो गया, तो यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि PSR ग्रेटर देन PSQ, और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 5th. अब है क्वेश्चन नंबर 6. सो डैट ऑल सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर लाइन इज लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट. तो देखिए गिवन क्या दिया गया है, लिखेंगे गिवन FV इज अ लाइन एंड A इज अ पॉइंट. A इज अ पॉइंट FV के आउटसाइड में पॉइंट A दिया गया है. ठीक है, अब देखिए टू प्रूव क्या करना है, AB इज स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट. AB को हमें स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट प्रूव करना है. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. ये क्या है, गिवेन है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवेन है. अब लिखेंगे देयरफोर एंगल BAC इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड एंगल ACB
ऑल्सो स्मॉलर देन 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, रीजन ये आ जाएगा कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये रीजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट, हेंस ट्रायंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, AC इज ग्रेटर देन AB। सिमिलरली एंगल सॉरी AD सिमिलरली AD इज ग्रेटर देन AB एंड AE इज ग्रेटर देन AB एंड AF इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, AB जो है AC का ग्रेटर है, AC का ग्रेटर AB है। तो इसी तरीके से सिमिलरली ये सारे लाइन क्या हो जाएगा, AB से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो हेंस AB इज द स्मॉलेस्ट AB इज द स्मॉलेस्ट लाइन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे AB जो होगा सबसे स्मॉलर होगा। ठीक है, AB यहाँ पे स्मॉल हो गया AC। तो इसी प्रकार से इन सब में भी जितने भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिए गए उनसे AB छोटा होगा। तो उसी तरीके से AB क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व।